अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो आपके फेसबुक में यहाँ पे योर अलर्ट करके ऑप्शन आए होंगे, और ये ऑप्शन आपके लिए कोई नॉर्मल ऑप्शन नहीं है, बहुत बड़ा एक नुकसान है आपके फेसबुक के लिए। अगर आपके फेसबुक में कुछ इसी प्रकार से ऑप्शन आए हुए हैं तो आप इसे जल्दी से डिलीट कर लीजिए, नहीं तो आगे चल के अगर आप इस फेसबुक से कुछ पैसे कमाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो ये आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो है आपने मिसलीडिंग की है फेसबुक के साथ, तो इसे आज डिलीट करना है। यहाँ पे आपको हम दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा योर अलर्ट करके और यहाँ पे रिपोर्ट अबाउट अदर करके यहाँ पे भी दो दो ऑप्शन आए हैं, जिसमें हमें बताए हैं कि आपने इतने दिन में अपने फेसबुक में क्या मिस्टेक किए हैं, जिसके कारण आज मैं आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया हूँ, अलर्ट जारी किया हूँ। तो आज आपको हम बताते हैं कि ये आपको किस प्रकार से डिलीट करना है। पहले हम यहाँ पे जाते हैं, क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे जो भी हमने वीडियो में मिसलीडिंग किए हैं, जो भी हमारा वीडियो जो है कॉपीराइट है, सारा यहाँ पे शो करते हैं। यहाँ पे आपको हम दिखा दें तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा हमारा शो कर रहा है। अब ये सारे वीडियो को हमें डिलीट करना है, क्योंकि जब तक हम नहीं डिलीट करेंगे हमारे लिए ये नुकसान का खतरा बने रहेंगे। अगर हम फेसबुक को अगर प्रोफेशनल मोड में ऑन भी कर लिए हैं और उनसे हम स्टार मोनिटाइजेशन करके पैसे भी कमाएं या स्टीम इन को मोनिटाइजेशन करके हम पैसे कमाएं, तो ये कम्फर्टेबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमने अपने फेसबुक पर कई सारे वीडियो डाल दिए हैं, यानी फेसबुक के उल्लंघन किए हैं, उसके कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ हमने छेड़खानी की है, जिसके कारण यहाँ पे फेसबुक ने हमें अलर्ट कर दिया कि भैया हमारे फेसबुक के प्लेटफार्म पे आपने दूसरे का कंटेंट डाल दिया है, और जिसके कारण हमने आपके वीडियो को चेक किए हैं और आपका वीडियो जो है कॉपीराइट के सेक्शन में आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीका से मेंशन किए हैं कि ये वीडियो सब जितने भी है ये सारे कॉपीराइट है, ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो, तो ये सबको डिलीट करना है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कुछ भी हमारा यहाँ पे डिलीट करने का ऑप्शन नहीं आया, ठीक है। तो आज हम आपको बताते हैं कि इसे आप किस प्रकार से डिलीट कर सकते हो, बहुत ही आसान मेथड है। पहले आपको हम बता देते हैं कि ये सब है क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने फेसबुक पे आपको कुछ इसके बारे में पता नहीं है तो आप इधर उधर से कुछ भी कंटेंट यहाँ पे डाल देते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, फेसबुक पे भी बहुत सारे रूल हैं, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तभी जाके इनसे आप पैसे कमा पाओगे। तो आज के डेट में लोग फेसबुक से भी बहुत ज़्यादा अर्निंग करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग अगर एक्टिव रहे तो फेसबुक पर ज़्यादा रहते हैं, तो ये चीज़ को आपको दूर करना है। अगर आप के फेसबुक में भी ये प्रॉब्लम है तो आप इसे दूर कर दीजिए, इसे डिलीट कर दीजिए। अब आपको हम बताते हैं कि ये चीज़ आप कैसे चेक कर पाओगे कि हमारे भी फेसबुक में ये प्रॉब्लम आया हुआ है। तो सबसे पहले अपने फेसबुक को ओपन कर लीजिए, ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो लोगो है आप देख सकते हो, ये हालांकि हमारे भाई का फेसबुक है तो इसके फेसबुक में यही प्रॉब्लम आया था, तो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, तो साथ में मैंने सोचा आपके साथ वीडियो भी बना दूँ, तो बहुत ही गजब का बात है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस लोगो पर हमें प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर हम प्रोफेशनल मोड पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे इसका लेबल कुछ दिखा रहा है। यहाँ पे अगर हम फेसबुक को मोनिटाइज करके अगर पैसे कमाना चाहेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे फेसबुक में कई सारे वीडियो में कॉपीराइट का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर अगर आपको हम दिखाएंगे तो देखिए यहाँ पर एरर आ जाएगा, आपको एरर दिखाएंगे भैया कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएंगे, और ये आप देख सकते हो ये जो है हमारा ये कंटेंट मोनिटाइजेशन पॉलिसी, यानी हम यहाँ पे कंटेंट मोनिटाइजेशन के खिलाफ है, जिसके कारण यहाँ पे ये ऑप्शन आ चुका है। तो इसी कारण ये ऑप्शन आते हैं अगर आपके फेसबुक में ये प्रॉब्लम आते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो ये जब तक हमने ही कंप्लीट करेंगे तब तक हम यहाँ पे इसको मोनिटाइज नहीं कर पाएंगे और इस फेसबुक से कुछ भी कमाई नहीं हो पाएगा। तो इसलिए से आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे दूर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया हूँ, यहाँ पे देखिए इसके फेसबुक में एक ऑप्शन आ चुका है स्टार सेटअप का, हालाँकि अगले वीडियो में बनाऊँगा, जब आप किसी वीडियो के रील्स को ओपन करते हैं फेसबुक में जो आपको स्टार कुछ नज़र आते हैं, ये स्टार सेटअप करने का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है, तो अगले वीडियो को आप जरूर मिस नहीं कीजिएगा। नहीं तो अगर आपके पास भी ये ऑप्शन आए होंगे तो इसको अच्छे से फिल करना है, यहाँ पे सही कई सारे बैंक अकाउंट सारा स्विफ्ट कोड भरना पड़ता है। तो चलिए ये बात की बात है। अब यहाँ पे देखिए जब भी हमने ओपन किए हैं हमारे फेसबुक को, अगर ये अलर्ट वाला चीज़ को डिलीट करना है तो उसे कैसे करना है, आपको सबसे पहले अपने फेसबुक के होम स्क्रीन पर क्लिक करना है, आपके जो प्रोफाइल है उस पर नीचे स्क्रॉल करिएगा, आपके सामने एक ऑप्शन आता है सेटिंग का, यहाँ पे सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करिएगा यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आएंगे सपोर्ट इनबॉक्स का, सपोर्ट इनबॉक्स पे आपको प्रेस करना है। यहाँ पे हम करते हैं क्लिक, और जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये पेज खुल के ऑप्शन आ जाएगा, ये खुल के ऑप्शन आ जाएगा, ये दोनों
कि आपने जो भी यहाँ पे फेसबुक के साथ छेड़खानी की है वो सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आप इतने दिन में अपने फेसबुक में जो भी कंटेंट डाले हैं, जो भी चीज़ आप डाले हैं, आपके फेसबुक प्रोफेशनल है या नहीं है, आपने कोई वायलेशन तो नहीं किया है, तो सारा यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, आप चेक करके देख लेना आपके फेसबुक में ये प्रॉब्लम आए होंगे। तो इसे हमें दूर करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, योर अलर्ट पे क्लिक करेंगे और इस वीडियो पे जो जो वीडियो है उस पर हम प्रेस करते हैं, और प्रेस करने के बाद सी डिटेल पे क्लिक करना है और आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद फिर से आपको कंटिन्यू करना है और फिर से आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद हमारे सामने कुछ ये सारे ऑप्शन आ जाएगा कि यहाँ पे एक्सेप्ट चेंज, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं, या आपका खुद का ये वीडियो है सबमिट डिस्पोर्ट एंड यहाँ पे रिमूव वीडियो। तो ये हमारा वीडियो तो खुद का नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे किसी और का वीडियो का म्यूजिक यूज किए हैं और इसी प्रॉब्लम के कारण यहाँ पे कॉपीराइट आ चुके हैं। तो हमें डिलीट करने के लिए यहाँ पे रिमूव वीडियो पे हम क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, डिलीट वीडियो पे क्लिक करेंगे। तो एक वीडियो जो है यहाँ से हमारा डिलीट हो जाएगा। अब आपको हम और भी वीडियो दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, अब इस यहाँ पे डिलीट हो चुका है एक वीडियो। फिर से जाते हैं हम सपोर्ट इनबॉक्स पे और यहाँ पे पहले चार था, अब तीन दिखा रहा है। इसके बाद फिर से हम जाते हैं इस वीडियो पे क्लिक करते हैं, सारे वीडियो को डिलीट करना है, तभी जाके आपका जो है यहाँ पे नो वायलेशन दिखाएंगे। कंटिन्यू करेंगे फिर से कंटिन्यू करेंगे एंड रिमूव वीडियो पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, डिलीट वीडियो के होने के बाद फिर से ये वीडियो हमारा डिलीट हो जाएंगे और हम क्या करेंगे, फिर से क्लोज पे जाएंगे। तो ये हमें बार बार करना पड़ता है। तो मैं सारा वीडियो डिलीट करके आपको हम दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों हमने सारा वीडियो को डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, योर अलर्ट पे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे दिखा रहे हैं नो वायलेशन, यानी अब हम जो है अपने फेसबुक को अच्छे तरह से फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी वायलेशन करने वाला वीडियो नहीं है। इसके बाद ऊपर में हमारा यहाँ पे रिपोर्ट जो हमने किए थे अबाउट अदर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे दो हमें यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो हमें इसको भी डिलीट करना है। सी और डिलीट मैसेज पे हमें क्लिक करना है क्योंकि हमने मैसेज किए थे फेसबुक को, अल्टर वल्टर कर दिए होंगे जिसको नहीं पता है। अब यहाँ पे देखिए, हमारा दोनों चीज़ है जो है यहाँ पे नो वायलेशन दिखा रहा है। एक बार मैं रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ हमारा यहाँ से नो वायलेशन दिखा रहा है। अगर हम रिपोर्ट अबाउट अदर पे क्लिक करते हैं एंड योर अलर्ट पे क्लिक करते हैं, तो हमारा जो बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल हट चुका है। तो इस प्रकार से इस चीज़ को आपको रिमूव करना है। जब आप इसको रिमूव कर पाएंगे तो आपके फेसबुक में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपने इतने दिन में छेड़खानी की फेसबुक के साथ, या कोई वीडियो आपका कॉपीराइट क्लेम है या कोई इशू है, तो वो सारा यहाँ पे शो कर देगा और यहाँ से आप आसानी से हटा दे। नहीं तो कल के डेट में अगर आप इसे मोनिटाइज करना चाहेंगे या कुछ करना चाहेंगे तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम प्रोफेशनल मोड पे जाते हैं डैशबोर्ड पे, और ये जो स्टार यहाँ पे जो ऑप्शन आए हुए हैं यहाँ पे, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टार सेटअप का, अगर हम इसे करेंगे तो ये रिजेक्ट कर देगा क्योंकि हमने वायलेशन किए हैं। तो इसलिए से ये सारे चीज़ को डिलीट कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे जो इन स्क्रीन का प्रॉब्लम है, ये जो हमारा ये क्रिएट एरिया दिख रहा है यहाँ पे, ओके मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक सेकेंड, ये कुछ दिन के बाद हट जाएगा। यहाँ पे हम इसका जो प्रोसेस है वो करेंगे तो ये हट जाएगा। अगर हम ये वायलेशन करेंगे तो कभी नहीं हटेगा ये फेसबुक का। और इसके बाद अगर हमने इसको सारा चीज़ को फॉलो किया है, जो हमारा वायलेशन का वो सारे हमने अगर हटा दिए हैं, तो हमारा जो फेसबुक आसानी से मोनिटाइज हो जाएंगे। जो भी हम चीज़ करेंगे, जो भी हमारे फेसबुक के अंदर प्रॉब्लम है, वो सारा दूर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आते होंगे और आप भी परेशान होंगे, तो इस वीडियो को देखकर आसानी से आप योर अलर्ट और जो भी आपके फेसबुक के साथ प्रॉब्लम है वो दूर कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं, अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर इस वीडियो को पेज पे देख रहे हैं ना, तो आप पेज को फॉलो कर ले। इस पेज पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।